वहीं जयपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स इंटरनेशनल स्कूल और ईडैक गुरुग्राम के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में ट्रेनर्स ने शिक्षकों को ये सिखाया कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, पढ़ने और पढ़ाने का सही तरीका क्या है। इंदौर से आई ट्रेनर स्वाति शर्मा ने बताया कि ईडैक का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक शिक्षक और परिजनों को अपने बच्चों को कैसे सिखाया जाए। स्कूल निदेशिका रीता झा ने बताया कि निम्स इंटरनेशनल स्कूल विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से स्किल डेवलप करते हुए पढ़ाता है। वहीं इस मौके पर ईडैक गुरुग्राम का आभार व्यक्त किया गया। इस वर्कशॉप में 35 शिक्षकों ने भाग लिया। ईडैक के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को रटाने की जरूरत नहीं है चीजों को, उनको जब आप एक्सपीरियंस करवाते हैं अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए, और जो पढ़ाते हैं वो उस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चा अपने साथ कनेक्ट कर पाता है उसकी एज के हिसाब से। सो दिस इज इस ईडैक में हम आपको यही सिखाते हैं बेसिकली। आज हमने ईडैक की क्लास ट्रेनिंग ज्वाइन की, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे कि अध्यापक क्लास में कैसे पढ़ाते हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन किस तरीके से और किस सही तरीके वे किस वे से पढ़ाना चाहिए ये आज हमने ईडैक के माध्यम से जाना। ईडैक के माध्यम से हमने ये जाना कि कैसे हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में एक्टिव कर सकें और उन्हें एंगेज कर सकें। ये चीज़ हमने ईडैक के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ सीखा, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ईडैक की। निम्स इंटरनेशनल स्कूल हैज़ इन्वाइटेड ईडैक एज देयर एकेडमिक पार्टनर। The benefits of EDAC are many. It is not only a curriculum planner, which involves a lot of research and development, lekin it also has techniques which will gauge the children, their level, and they also provide remedial kits through which we can bring the child to his age appropriate class. Besides assessments, it also provides a conditioning to the classroom by the speaking walls.